क्वेश्चन नंबर 10, कर्व्स विद इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एक्स पावर 1 बाय 2 प्लस 1 एंड वाई इज इक्वल टू 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटरसेक्ट एट ए, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 0 1 एंड बी, बी के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, बी 4 5 है एज शोन इन द डायग्राम. These are the point of intersection of both curves A and B. Coordinates are given. Equation both equations of the both curves are given. Find the area of the region between the two curves. We have to find the area between the two curves. ये area हमने find करना है दोनों curves के दरमियान. तो इसके लिए formula होता है दो कर्व्स के दरमियान एरिया फाइंड करने का फार्मूला जो है वो ए इज इक्वल टू वाई वन माइनस वाई टू डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. और अब वाई वन और वाई टू जो है वो ये आप देखते हैं कि दो वाइज हैं, एक अपर कर्व के लिए एक लोअर कर्व के लिए. तो अपर कर्व को कि वाई को हम वाई वन कह लेते हैं, इसको वाई टू कह लेते हैं. तो यहाँ पे लिमिट्स क्या होती है, वी विल टेक द लिमिट्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस. और यहाँ पे देखें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ये है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू ज़ीरो है और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है और यहाँ पे देख रहे हैं ये फोर है. तो ये वैल्यू फोर है, सो वी विल टेक द लिमिट फ्रॉम ज़ीरो टू फोर. नो वी विल फाइंड एरिया वाई वन माइनस वाई टू. वाई वन इज टू एक्स पावर वन ओवर टू प्लस वन माइनस वाई टू इज वन ओवर टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन. इसको हमने करना है इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. फर्स्ट वी सिंप्लीफाई इट, जीरो टू फोर इज द लिमिट, टू एक्स पावर वन रू टू प्लस वन माइनस वन रू टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो ये कैंसिल आउट हो जाता है वन और माइनस वन. तो ये आ जाएगा. अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दें. नो इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट करेंगे तो ये टू एक्स पावर वन वो टू, तो ये पावर में वन ऐड हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे माइनस वन वो टू एक्स पावर थ्री ओवर थ्री. ये इंटीग्रेट कर रहे हैं हम एक्स टू ओवर टू. इसको सिंप्लीफाई कर लें फिर हम लिमिट अप्लाई करेंगे. तो ये बन जाएगा हमारे पास फोर ओवर थ्री, ये टू ऊपर चले जाएगा न्यूमिरेटर में, फोर ओवर थ्री एक्स पावर थ्री ओवर टू माइनस एक्स थ्री ओवर सिक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टू, जीरो टू फोर लिमिट. अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, दिस बिकम्स फोर ओवर थ्री फोर पावर थ्री ओवर टू, अपर लिमिट फोर अप्लाई कर रहे हैं माइनस वन ओवर सिक्स
4 4 3 माइनस 4 स्क्वायर ओवर 2 4 स्क्वायर ओवर 2 ये अपर लिमिट है, और लोअर लिमिट जो है वो हमारे पास 0 होगी क्योंकि ऑल द वैल्यूज इन्वॉल्व है एक्स, तो सो वहाँ पे वो 0 होगी। लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आप हमारे पास एरिया जो है ये कैलकुलेट आप कर लें, तो यहाँ से एरिया जो है ये हमारे पास 32/3 -32/3 +8 ये कैंसिल हो जाएगा, तो सो एरिया जो है हमारे पास वो आ जाएगा 8 यूनिट स्क्वेयर। दिस इज द एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। नेक्स्ट इज एक्यूट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स एट बी। बी पॉइंट पे दो टेंजेंट्स हैं, आप देख रहे हैं इज डिनोट एट बी इज डिनोटेड बाय अल्फा। एक्यूट एंगल अल्फा इज गिवन बिटवीन द टू टेंजेंट्स एट बी एंड द स्केल्स ऑन द एक्सिस आर द सेम। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, ये अल्फा एक्यूट एंगल हमने फाइंड करना है, तो ये दो लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड करने का फार्मूला होता है। ये टेंजेंट्स भी लाइन ही हैं, तो दो लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड करने का फार्मूला होता है। फार्मूला टू फाइंड एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स कह लें या लाइंस कह लें वो होता है टेन अल्फा इज इक्वल टू m1 - m2/1 + 1 + m1 m2। तो ये फार्मूला है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, अब ये ग्रेडियंट, वी नीड ग्रेडियंट्स ऑफ बोथ द लाइंस या बोथ द टेंजेंट्स, हमें ग्रेडियंट चाहिए। तो m1 एक ग्रेडियंट को हम m1 कह लेंगे, दूसरे ग्रेडियंट को m2 कह लेंगे। तो सो ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं, ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। y इज इक्वल टू 2x/1/2 +1, तो dy/dx जो है वो आ जाएगा 2 × 1/2 x/1/2 - 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x/-1/2 आ जाएगा। तो अब एट x=4 आप देख रहे हैं कि बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 4 है, बी की कोऑर्डिनेट है 4 5, तो वी विल यूज एक्स कोऑर्डिनेट एट x=4, dy/dx की वैल्यू आ जाएगी 4/-1/2 जो कि 2 आएगी। तो एंड इसी तरह दूसरी कर्व का वो दूसरी कर्व पे भी वो टेंजेंट एट द सेम पॉइंट है बी पे, तो दूसरी कर्व की इक्वेशन जो है सेकंड कर्व की इक्वेशन y इज इक्वल टू 1/2 x² - x + 1, यहाँ से भी ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। dy/dx जो है 1/2 × 2x - 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। dy/dx जो है वो हमारे पास x - 1 आ जाएगा। तो अगेन द वैल्यू ऑफ एट x=4 हमने बी पॉइंट पे फाइंड करना है, बी का बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, तो x=4 पे इसका ग्रेडियंट भी फाइंड कर लेंगे, तो 4 - 1 वो 3 आ जाएगा। तो अब हमारे पास दो ग्रेडियंट आ गए, एक ग्रेडियंट हमारे पास है 3, तो दूसरा ग्रेडियंट है हमारे पास 1/2। ये देखिए यहाँ
ये मिस्टेक है, ये वन टू नहीं है, ये वन ओवर टू है, तो वन ओवर टू। देर आर टू ग्रेडियंट्स, एक ग्रेडियंट ये है, एक ग्रेडियंट ये है, और दोनों को सपोज कर लेते हैं कि लेफ्ट एम वन जो है वो वन ओवर टू है और एम टू ग्रेडियंट टू जो है वो 3 है। नाउ वी विल यूज द फार्मूला टेन अल्फा इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू ओवर वन प्लस एम वन एम टू। तो देखें, जिसको मर्जी आप ग्रेडियंट वन कह लें, एम वन कह लें, जिसको मर्जी आप एम टू कह लें, बिकॉज के ग्रेडियंट अब वो डिपेंड करता है कि एंगल ऑब्ट्यूज फाइंड करने के एक्यूट, तो नो मैटर टू सेलेक्ट एम वन एम टू। सो वी विल पुट द वैल्यूज, टेन अल्फा इज इक्वल टू एम वन इज वन ओवर टू माइनस 3 ओवर वन प्लस वन ओवर टू इंटू 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास भी आ जाएगा माइनस 5 ओवर 2 डिवाइडेड बाय 5 ओवर 2। 5 ओवर 2 से 5 ओवर 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 रह जाएगा, तो हमारे पास टेन अल्फा की वैल्यू जो है माइनस 1 आ रही है, तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा टेन इनवर्स 1। नेगेटिव साइन को आपने इग्नोर कर देना है, बिकॉज एक्यूट एंगल हमने फाइंड करना है। अल्फा इज इक्वल टेन इनवर्स 1, वी विल गेट अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज डायग्राम शोज द सर्कल विद इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20, द टेंजेंट टचिंग द सर्कल एट बी एंड सी पास थ्रू द पॉइंट 0 A 0 10। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, और यहाँ से रेडियस फाइंड कर सकते हैं, रेडियस इज 20 अंडर रूट। तो ये ए बी और ए सी आर टेंजेंट्स एट द सर्कल, ये देखें ये भी टेंजेंट है, ए सी और ए बी भी टेंजेंट है। टचिंग द सर्कल एट पॉइंट बी एंड सी पासेस थ्रू ए, दोनों टेंजेंट्स जो हैं वो ए पॉइंट में से पास कर रहे हैं, और ये देखें क्लियरली ए पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, सो इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन 0 10। बाय लेटिंग द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन है, y इज इक्वल एम एक्स प्लस 10, फाइंड द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक सर्कल की इक्वेशन है और दूसरी हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन है एम एक्स प्लस 10। तो हम इनको ये वैल्यू वाई जो है ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई वाई मीन एम एक्स प्लस 10, ये वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, स्क्वायर भी है इज इक्वल टू 20। नाउ वी विल एक्सपेंड इट, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 100 प्लस 2 AB मीन 20 MX। इस 20 को राइट साइड से लेफ्ट पे लें, -20 इक्वल टू 0 आ जाएगा। नो हम इसको अरेंज करते हैं, दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस
एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 20 एम एक्स प्लस 80 इज इक्वल टू 0। 100 माइनस 20 तो 80 बन जाता है। तो अब इसको हम ये निकाल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन दिस इक्वेशन इज 2, तो सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी विल राइट फर्स्ट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स में से, ये 2 एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से एक्स स्क्वायर जो है वो कॉमन लेते हैं, तो दिस बिकम्स 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 20 एम एक्स प्लस 80 इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ सिंस द लाइन अ टेंजेंट, ये वही कॉन्सेप्ट है, डिस्क्रिमिनेंट 0 हुआ, सिंस द लाइन टेंजेंट को हम लाइन कह सकते हैं। ये देखिए टेंजेंट लिखा हुआ, टेंजेंट को हम लाइन कह सकते हैं। टेंजेंट लाइन इज द टेंजेंट टू द कर्व, कर्व को हम वी विल कंसीडर द सर्कल, वी विल डील द सर्कल एज अ कर्व। सो सिंस द लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व, या लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल, दिस मीन दैट ग्रेडियंट डिस्क्रिमिनेंट इज 0। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर, इक्वेशन इज ए, तो डिस्क्रिमिनेंट सिंस लाइन, तो टेंजेंट लाइन ए बी, बोथ द लाइन ए बी ए सी, सिंस लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व या सर्कल, सो डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया है, तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए ए बी सी क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो ए होता है, एक्स का कोएफिशिएंट बी, और कॉन्स्टेंट नंबर को सी रखते हैं हम, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल 0। दिस मीन दैट 20 एम स्क्वायर, बी स्क्वायर है ये, माइनस 4 ए इज 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू 80 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हेयर इसको एक्सपेंड करेंगे, सॉरी 20 एम का स्केयर है जो 400 एम स्केयर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस बिकम 320 माइनस 320 एम स्केयर इज इक्वल टू 0। 400 माइनस 320 वो 80 आ जाएगा, 80 एम स्केयर इज इक्वल टू 320 एम स्केयर इज इक्वल टू, जितना 80 डिवाइड कर देगा 320 को, 320 डिवाइड बाई 80 दैट बिकम्स 4, तो सो वी विल गेट एम इज इक्वल, टेकिंग स्केयर रूट की ईच साइड वी विल गेट एम इज इक्वल प्लस माइनस 2। ये दो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम हमारे पास आ गई है, प्लस 2 एंड माइनस 2। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड सी। बी और सी के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं, तो सो क्लियरली बी एंड सी पॉइंट आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल, तो वी विल सॉल्व दीज टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल फॉर पॉइंट बी। नो ये देखिए आप, पॉइंट बी जो है उसके लिए ग्रेडियंट पॉजिटिव लेंगे, वो पॉजिटिव क्यों लेंगे, देखिए ग्रेडियंट हमारे पास एम की दो वैल्यूज आएंगे, ये आप देख रहे हैं प्लस 2 और माइनस 2, एक ग्रेडियंट जो है ए बी लाइन का है और एक ए सी लाइन का है, टेंजेंट्स का है, तो ये ग्रेडियंट जो है ए बी का ये पॉजिटिव लेंगे, बिकॉज ये एक्यूट एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, ये देखें ये एक्यूट एंगल बना रहा है, ये टेंजेंट जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, तो इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा पॉजिटिव 2, और इसका ग्रेडियंट जो है ए सी का नेगेटिव 2 होगा। तो सो अब हम
बी फाइंड करने के लिए फॉर पॉइंट बी आई विल टेक द ग्रेडियंट एम इज इक्वल टू टू। सो वो टेंजेंट की इक्वेशन जो ऊपर दी हुई है, ये देखें आप यहाँ पे, ये फिर पॉइंट बी के लिए बन जाएगी वाई इज इक्वल टू टू एक्स। एम को हमने टू ले लिया है, टू एक्स प्लस 10। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, ये देखिए ऊपर इक्वेशन ए आपको नजर आ रही है, वहाँ पे एम की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज टू। तो ये बन जाएगा एम इज इक्वल टू टू, पुट करेंगे तो वो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 1 प्लस 4 एम एज टू, तो 1 प्लस 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 20 इंटू 2 एक्स प्लस 80। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो वी विल गेट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 40 एक्स प्लस 80, हाँ जी 80 इज इक्वल टू, ये 0 भी है, इज इक्वल टू 0। 5 एक्स स्क्वायर प्लस 40 एक्स प्लस 80 इज इक्वल टू 0, डिवाइडिंग ईच साइड बाय 5, बिकॉज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑल द टर्म्स आर मल्टीपल ऑफ 5, सो वी कैन डिवाइड ईच साइड बाय 5, तो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाय 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे। नाउ दिस इज अ कंप्लीट स्क्वायर, या फैक्टर बना लेंगे, इसके फैक्टर बन जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0, एक्स इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 4 एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, वी विल गेट एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, टेकिंग स्क्वायर रूट वी विल गेट एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -4। तो हमारे पास ये -4 आ गया। सो हम बी के कोऑर्डिनेट्स में वो हमारे पास -4 और वाई में पुट कर देंगे, तो वाई हमारे पास जो है वो आ जाएगा, ऊपर लाइन की टेंजेंट की इक्वेशन में पुट करेंगे, वाई इज इक्वल टू 2 एक्स प्लस 10 है, तो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, वाई इज इक्वल टू -8 प्लस 10, दैट बिकम्स 2। तो बी के कोऑर्डिनेट आपके पास होंगे -4 2। यहाँ स्पेस कम है, एक और भी हमने करना है, तो इसको हम डिफरेंट यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, ये अभी हमने बी के कोऑर्डिनेट फाइंड किए हैं, अभी सी के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं, तो वो इधर कर लेते हैं, सी के कोऑर्डिनेट भी इसी तरह फाइंड करेंगे, वहां पे हम एम की वैल्यू जो है वो 2 लेंगे, एम की वैल्यू -2 लेंगे सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए इन द सेम इक्वेशन, इक्वेशन ए में देख रहे हैं आप, इक्वेशन ए आपको नजर आ रही है, वहां पे क्योंकि एम की वैल्यू 2 से हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आए हैं, नाउ वी विल पुट एम इज इक्वल टू -2 इन द सेम इक्वेशन ए, 1 प्लस दैट बिकम्स 5 एक्स स्क्वायर -40 एक्स +80 इज इक्वल टू 0। सिर्फ 40x का साइन चेंज हुआ है, बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए वो पॉजिटिव था, अब नेगेटिव आ गया, इसका मतलब है कि इसके भी फैक्टर वही बनेंगे, बट यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड कर लेते हैं पहले 5 पे, एक्स स्क्वेयर -8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ ये एक्स -4 का होल स्क्वेयर है, फैक्टराइज करके आप देख सकते हैं, तो टेकन स्क्वायर रूट ईच साइड वी विल गेट एक्स -4 इज इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू 4 आ जाता है।
अब एक्स फोर आ गया तो इक्वेशन में यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई इज इक्वल टू 2 4 और 8 प्लस 10, वो 18 आ जाएगा। सॉरी, ये हमारे पास द वैल्यू ऑफ एम इज -2, तो सो इसके लिए हम इसको करेंगे, ये सी पॉइंट के लिए ये बन जाता है, सी पॉइंट के लिए जो बनेगा वाई इज इक्वल टू -2x+10 फॉर सी पॉइंट। तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो वो 10 -4 वो 2, 10 -8 आ जाता है, दैट इज वाई इज इक्वल टू 2, तो ये 2 आ गया है। अब हम पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट जो है वो लिखेंगे, वो सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 4 2, दिस इज द आंसर। बी के कोऑर्डिनेट ये हैं और सी के ये हैं। तो नो नेक्स्ट पार्ट सी ऑफ दिस क्वेश्चन इज द पॉइंट डी इज वेयर द सर्कल क्रॉसेस द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आप डायग्राम में देख सकते हैं डी पॉइंट वेयर द सर्कल, डी पॉइंट आपको राइट पे नजर आ रहा है, द पॉइंट डी वेयर द सर्कल क्रॉस द पॉजिटिव एक्सिस, फाइंड द एंगल बी डी सी एंड डी बी डी सी। एंगल बी डी सी हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे बी डी सी, तो ये एंगल हमें पूछा है बी डी सी, तो बी डी सी एंगल हमारे पास ये आएगा। तो ये हमने एंगल फाइंड करना है, तो इसके लिए कुछ और हमें ऐसे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये रेडियस है ऑफ द सर्कल, ये भी रेडियस ऑफ सर्कल है, तो हम यहाँ से एक एंगल फाइंड कर सकते हैं, ये एंगल जो है 90 होगा रेडियस के साथ टेंजेंट का, ये 90 डिग्री एंगल है, और हम इसको कह लेते हैं कि हाफ एंगल को ओ ए बी, ओ बी ए राइट एंगल का एंगल है, ये एंगल सपोज करेंगे ये दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल हमारे पास है थीटा, तो कांगुलेंट एंगल में से तो ये भी हमारे पास थीटा होगा। तो अब हमने बी डी सी एंगल फाइंड करना, वो कैसे हुआ, ये सर्कल का ये रेडियस हमारे पास जो है ये सर्कल की इक्वेशन में से ये देखें, यहाँ से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, तो सर्कल की इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं x²(-0)² + दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल इक्वेशन y²(-0)² = 20 √²। तो ये सो रेडियस इज ऑफ द सर्कल इज 20√। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे पहले कॉस बी ओ सी, देखें कॉस बी ओ सी जो है वो बी ओ सी उस राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी ए बी ओ में कह रहे हैं, तो ये थीटा जो है बी ओ ए वो हम फाइंड करेंगे, वो √20/10 आएगा, कॉस बी ओ बी ओ ए जो है वो √20/10 बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज जो है वो ये देखें ओ ए है,
ओ ए इज हाइपोटेन्यूज और बेस है अंडर रूट 20, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज वो आपके पास पॉज आ जाएगा। 20 अंडर रूट ओवर 10, दिस बिकम्स यहाँ से बी ओ ए एंगल आ जाएगा कॉज इनवर्स 20 अंडर रूट ओवर 10, दैट बिकम्स थीटा, इसको थीटा कर लेते हैं 63.4 डिग्री। उसके बाद बी ओ सी, ये देखें हमारे पास एंगल ही आ गया है। यहाँ पे एंगल प्रॉपर्टीज यूज करेंगे हम, ये एक एंगल आया है थीटा, तो दूसरा एंगल थीटा जो है वो भी कांग्रुएंट है, वो भी टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल जो है वो आ जाएगा एंगल। सो एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल जो है वो होता है, वो हमारे पास एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल जो है वो बी ओ सी, उसको कह लेते हैं हम ये बी ओ सी, वो आएगा 126.8 डिग्री। ये एंगल बी ओ सी है, बी ओ सी एंगल 126.8 डिग्री। अब हम सर्कल प्रॉपर्टीज वी हैव स्टडीड इन ओ लेवल, सर्कल प्रॉपर्टीज हैं, तो सेंटर ऑफ सर्कल पे एंगल डबल होता है जो एंगल सर्कमफ्रेंस पे वो कॉर्ड बनाती है। उसी कॉर्ड ने सेंटर पे एंगल डबल बनाया है, उसी कॉर्ड बीसी ने सर्कमफ्रेंस पे उसका हाफ बनाएगी, तो सो हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल जो होगा बी डी सी, सो यूजिंग सर्कल प्रॉपर्टीज बी डी सी जो होगा वो 1/2 126.8 डिग्री, दैट इज 63.4 डिग्री, दिस इज द आंसर। ये है हमारा बी डी सी एंगल। यहाँ पे हमने सर्कल प्रॉपर्टीज जो है वो यूज़ की है।